न्यूज आ रही है यूक्रेन से। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें रूस की तरफ से यूक्रेन से बचने का तगड़ा बंदोबस्त नजर आ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में जमीन पर कंक्रीट के लंबे चौड़े बैरिकेड और छिपकर वार करने के लिए बनाए गए गड्ढे नजर आ रहे हैं। बताया गया कि रूस ने रास्तों पर भारी भरकम चीजों का जाल भी बिछा दिया है ताकि यूक्रेन की सेना को आगे बढ़ने से रोका जा सके। रूस यूक्रेन के उन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत रखने की कोशिश में है जहां उसका पलड़ा भारी है, जहां वो कब्जा जमा चुका है। इसलिए उसकी सबसे बड़ी तैयारी दक्षिणी यूक्रेन में क्राइमिया के आसपास देखने को मिली है, क्योंकि क्राइमिया पर पुतिन को रत्ती भर की सौदेबाजी मंजूर नहीं। वो पिछले साल ही साफ कर चुके हैं कि क्राइमिया सिर्फ और सिर्फ रूस का है, लेकिन यूक्रेन भी कसम खाए बैठा है कि वो पुतिन से अपनी जमीन का एक एक इंच वापस लेकर रहेगा। रक्षा विशेषज्ञ बीती सर्दियों से ही कह रहे हैं कि यूक्रेन वसंत के मौसम में बर्फ पिघलते ही रूस पर जबरदस्त पलटवार करेगा। इसके लिए उसके हजारों सैनिक ट्रेनिंग में जुटे हैं और अब सर्दियां खत्म हो चुकी हैं और यूक्रेन में बर्फ भी लगभग पिघल गई है। इसलिए रूस ने भी कमर कस ली और उसकी तैयारी की जो तस्वीर सामने आई उसमें यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में एक बड़े से मैदान में रूस के 3 सुरक्षा घेरे बने दिखे। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को काफी टैंक दिए हैं और टैंक गड्ढे वाले रास्तों पर नहीं दौड़ पाते, इसलिए पहले घेरे में रूस ने 30 किलोमीटर तक इतने गहरे और चौड़े गड्ढे बनाए कि यूक्रेन के टैंक आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अगर तब भी कुछ टैंक पहला घेरा पार कर लें तो फिर दूसरे घेरे में उनके लिए कंक्रीट के बैरिकेड रखे गए। रूस का पहला और दूसरा घेरा पार करने के चक्कर में यूक्रेन के टैंक और सैनिक आधे से भी कम रह जाएंगे और जब वो तीसरे घेरे में पहुंचेंगे तो वहां गड्ढों के अंदर छिपी बैठी रूस की सेना उन पर धावा बोल देगी। यानी रूस की तैयारी तगड़ी है और इतनी तगड़ी तैयारी एक दिन में या एक महीने में नहीं हुई है, बल्कि बताया गया कि रूस कम से कम 5 महीनों से यूक्रेन से निपटने की प्लानिंग में लगा है, क्योंकि तब रूस को यूक्रेन के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। बताया गया कि रूस की तैयारी पिछले साल नवंबर के बाद शुरू हुई थी। पिछले साल नवंबर में यूक्रेन की सेना ने दक्षिण में बसे खेरसोन पर इतना तगड़ा धावा बोला था कि रूस की सेना को बोरिया बिस्तर समेट कर वहां से भागना पड़ा था। रूस को तभी अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपनी गलती से सीख ली और जीते हुए इलाकों को यूक्रेन से बचाने के इंतजाम करने शुरू कर दिए। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुदनोव ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि रूस को भी पता है कि यूक्रेन उस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसलिए रूस के सैनिक अपनी जान बचाने के बंदोबस्त में लगे हैं और उनकी सबसे तगड़ी तैयारी यूक्रेन के दक्षिण में है, क्योंकि यूक्रेन का सबसे ज्यादा फोकस दक्षिण में ही है, खासतौर पर वहां के ज़ापोरिज़्या प्रांत में, क्योंकि एक तो ज़ापोरिज़्या में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिससे यूक्रेन को बिजली मिला करती थी, लेकिन अब उस पर रूस का कब्जा है। दूसरी बात यह कि अगर दक्षिणी यूक्रेन को ज़ेलेंस्की की फौज ने अपनी मुट्ठी में कर लिया तो क्राइमिया भी उसकी तोपों की रेंज में आ सकता है। यानी दक्षिणी यूक्रेन ज़ेलेंस्की के लिए क्राइमिया में घुसने का रास्ता है और क्राइमिया यूक्रेन का वो हिस्सा है जिस पर पुतिन ने 2014 में ही कब्जा कर लिया था और तब से वहां पुतिन का ही राज है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी पिछले साल ऐलान कर दिया था कि यूक्रेन की जंग अब रूस से क्राइमिया जीतने के बाद ही खत्म होगी। और फिर यूक्रेन के लिए क्राइमिया जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां ही रूस की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट का अड्डा है। बीते 14 महीने से वहां से मिसाइलें चला चला कर रूस ने यूक्रेन को पस्त कर दिया। इसलिए ज़ेलेंस्की के एडवाइजर ने भी कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक यूक्रेन को पूरा अधिकार है कि वो चाहे तो लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ापोरिज़्या, खेरसोन और क्राइमिया की जमीन पर मौजूद हर चीज को तबाह कर सकता है। और ये पांचों वो इलाके हैं जिन पर कब्जा जमाकर वहां रेफरेंडम करवाकर रूस उन्हें अपना हिस्सा घोषित कर चुका है। लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ापोरिज़्या और खेरसोन को तो रूस ने ताजा जंग के दौरान अपना इलाका बताया, लेकिन क्राइमिया की बात तो 9 साल पुरानी है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले ही 2 टूक कह दिया था कि क्राइमिया सिर्फ और सिर्फ रूस का है, और तो और उन्होंने धमकी तक दे दी थी कि क्राइमिया पर आंच आई तो वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यूक्रेन भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। उसे अपने वो इलाके तो चाहिए ही जो अभी उसके हाथ से निकले, उसे क्राइमिया भी वापस चाहिए। यही वजह रही कि पुतिन ने क्राइमिया को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खबर है कि रूस ने क्राइमिया के पास अपनी कैलिब्र मिसाइलों को एकदम कॉम्बैट रेडी पोजीशन में रखा है, मतलब यहां यूक्रेन ने हमला करने की सोची और वहां रूस की कैलिब्र मिसाइलें यूक्रेन का सीना चीर कर रख देंगी। कैलिब्र मिसाइल परमाणु बम दागने में माहिर है और रूस ने अपने जो 2 जंगी जहाज क्राइमिया के पास तैयार रखे हैं उन पर 12 कैलिब्र मिसाइलें तैनात हैं। लेकिन क्राइमिया के साथ रूस को ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट भी अपने हाथ से निकलने का डर सता रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना के हमले के डर से रूस ने न्यूक्लियर प्लांट को छावनी में तब्दील कर दिया है, जिसकी एक सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई जिसमें पावर प्लांट की छत पर बंकर बने नजर आए। ये तस्वीर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की और दावा किया कि रूस को इस बात का डर सताने लगा है
कि यूक्रेन जल्द ही ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कोई बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन की जंग पर नजर रख रहे अमेरिका के संगठन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की की सेना खेरसॉन के कई इलाकों में पकड़ मजबूत कर चुकी है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि यूक्रेन की सेना खेरसॉन के दक्षिण में मौजूद क्राइमिया पर हमला बोलेगी, लेकिन ज़ापोरिज़्या में रूस की तैयारियां कुछ और ही इशारा कर रही हैं। क्योंकि सामने आई सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि रूस की सेना ने ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट की छत पर रेत की बोरियां बिछा दी हैं ताकि दुश्मन के हमलों से बचते हुए उसके खिलाफ वार किया जा सके। क्योंकि दावा यह है कि ज़ेलेंस्की ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट को किसी भी हालत में रूस के पंजे से निकालना चाहते हैं, जिसकी वजह यह है कि ज़ापोरिज़्या यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यूक्रेन की करीब 20% बिजली सप्लाई यहीं से होती है, जबकि जंग के शुरुआती दिनों से ही प्लांट पर रूस का कब्जा है और रूस की फौज यूक्रेन की सेना के खिलाफ इस प्लांट को अभेद्य किले की तरह इस्तेमाल कर रही है। वहाँ प्लांट में मौजूद रूसी सैनिक नीप्रो नदी को पार करके यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, खासतौर से निकोपोल इलाके में। ऐसे में अगर यूक्रेन की सेना ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट को रूस के कब्जे से छुड़ाने में कामयाब होती है तो ये पुतिन की सेना पर बड़ी चोट साबित होगी। इधर पश्चिम बंगाल के कालियागंज में नाबालिग की रेप और हत्या के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी। इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी और तब तक पुलिस को रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। हाई कोर्ट ने जांच का पूरा ब्यौरा मांगा। पिछले हफ्ते कालियागंज में नाबालिग की हत्या के बाद कई इलाकों में हिंसा भड़क गई थी, जिसकी चपेट में थाने और कई पुलिस वाले भी आ गए थे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि डोनेस्क प्रांत के अवदीवका शहर को जीतने के लिए पुतिन की सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस शहर को पुतिन किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए रूसी सेना अवदीविका में दिन रात रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर रही है। ऐसे हमले जिनसे यूक्रेन की सेना की कमर टूट जाए। बताया जा रहा है कि पुतिन की सेना के जोरदार हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, दावा है कि रूसी फौज के कहर से बचने के लिए इस शहर के कुछ हिस्से से यूक्रेन की सेना को पीछे हटना पड़ गया। आरोप है कि पुतिन की फौज आम लोगों को भी मौत बांट रही है। बताया गया कि रूस की सेना ने रिहायशी इलाकों में भी ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना के हमलों में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और लोग भी भीषण हमले वाले इलाकों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 18 अप्रैल को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अवदीविका शहर में सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बताया गया कि इसी के बाद पुतिन ने इस शहर पर कब्जा करने की जिद पकड़ ली। दावा है कि ज़ेलेंस्की के जाने के बाद रूसी सेना ने अवदीविका में बमों की बारिश करनी शुरू की, क्योंकि वो इस शहर को किसी भी कीमत पर अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। क्योंकि ये शहर बखमूत से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है। बखमूत के करीब 80% हिस्से पर पुतिन पहले ही कब्जे का दावा कर चुके हैं, लेकिन अब उनका पूरा जोर डोनेस्क प्रांत के अवदीविका शहर को जीतने पर है, क्योंकि अब तक इस जंग में पुतिन के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा है। उनके सैनिक यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर ही कब्जा करने में कामयाब हो पाए हैं। अब क्योंकि ये शहर बखमूत के करीब है तो पुतिन की सेना इस पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहती है, इसीलिए रूस के जवान इस शहर पर रॉकेट बरसा रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक भी रूस के हमलों का जवाब देने में लगे हैं, लेकिन खबर है कि रूसी सेना इतने भीषण हमले कर रही है कि उसका सामना कर पाना ज़ेलेंस्की के जवानों के लिए मुश्किल हो रहा है। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने खेरसॉन में रूसी सेना के 6 घातक ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक इस हमले में ड्रोन के अलावा रूस के कई सैनिक भी मारे गए, जिसका मतलब है कि खेरसॉन में ज़ेलेंस्की की सेना अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। क्योंकि इससे पहले यह खबर सामने आई थी कि खेरसॉन प्रांत में यूक्रेन के सैनिकों ने कई जगहों पर अपने ठिकाने बना लिए ताकि वो पुतिन की सेना को चारों तरफ से घेर कर हमला कर सकें। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक इसी कड़ी में ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के 6 खतरनाक ड्रोन तबाह कर दिए। यूक्रेन की ये कार्रवाई पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन ने खेरसॉन को रूस से छीन लिया तो क्राइमिया भी पुतिन के हाथ से निकल सकता है, क्योंकि क्राइमिया तक जमीन का इकलौता रास्ता खेरसॉन से ही जाता है। और अगर ज़ेलेंस्की ने पूरे खेरसॉन को अपनी मुट्ठी में कर लिया तो उनकी नजर क्राइमिया पर भी टिक जाएगी, क्योंकि खेरसॉन को जीतते ही यूक्रेन की सेना को क्राइमिया में घुसने का रास्ता मिल जाएगा, जिसे बचाने के लिए पुतिन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालांकि क्राइमिया पहले यूक्रेन का ही हिस्सा था, लेकिन रूस ने 2014 में उस पर कब्जा कर लिया और तभी से वहां पुतिन का राज है। वहीं पिछले साल रूसी सेना ने सबसे पहले खेरसॉन पर ही कब्जा जमाने का दावा किया था, लेकिन मौजूदा वक्त में खेरसॉन के कई इलाके पुतिन के हाथ से निकल चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक खेरसॉन के बाकी बचे इलाकों से भी जल्द ही